गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय न्यू वीडियो। सो गाइस, मैंने बहुत टाइम के बाद मेरे बाल खड़े किए थोड़े, और खड़े एक टेम्परेरी के लिए, बाद में थोड़ा ऐसा करते यू नो वापस ऐसे हो जाएंगे। सो आज का मुद्दा ये नहीं, आज का मुद्दा ये बोल रहा था कि आज का मुद्दा ये नहीं, आज का मुद्दा ये कि आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनने वाला है। किस चीज़ पे बनने वाला, वो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बातें करके मैं, मतलब धीरे धीरे बातें करूँगा। एक साथ बात करूँगा आप बोर हो जाओगे एंड यू नो पक जाओगे, तो मज़ा नहीं आएगी। तो मैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बोलता रहूँगा। अभी मैं ये बोल रहा हूँ इन्फॉर्मेटिव वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि लास्ट जो 7-8 महीने जो लॉकडाउन चला उस चक्कर में बहुतों की, मतलब बोलते हैं बॉडी स्ट्रक्चर एकदम ज़ीरो हो गई है। जो वर्कआउट करते थे उनकी भी, प्लस मेरी भी जितनी कुची बनी थी मैंने भी वो ख़राब कर दी। अभी 60 डेज चैलेंज में जितनी मैं बना पा रहा हूँ, जितनी इम्प्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ तो उतना मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने ये सोचा कि जिसके पास यू नो वर्कआउट के लिए जो चीज़ें होती रॉड डंबल ये नहीं होती, तो वो वर्कआउट कैसे करेगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपने पास ये सामग्री हो, उसके बिना भी अपने एक वर्कआउट कर सकते। तो वर्कआउट कैसे कर सकते उस पर ही आज वीडियो बनने वाला है, और वही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनने वाला है एंड वो वीडियो बहुत काम आएगा। और संडे को क्यों बना रहा हूँ, संडे को मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आप मंडे से स्टार्ट कर सको एंड, और बस मंडे से स्टार्ट कर दोगे तो यू नो सैटरडे तक ख़त्म एंड संडे को रेस्ट डे। सो अब ये बहुत टाइप्स ऑफ चीज़ें होती है, वो अब मैं बताऊँगा कैसे आप मतलब वो जिम की जो चीज़ें होती है वो ना यूज़ करके आप अपनी बॉडी को यू नो मेंटेन और एक स्ट्रक्चर में रख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज ये कुछ यूज़ नहीं करने वाले, आज मैं बताऊँ आपको क्या क्या यूज़ करना चाहिए अगर आप ये सब चीज़ नहीं यूज़ कर रहे तो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पट्टी होती है ना, ये वाली घर में ऑलमोस्ट के तो होती है। सो ये पट्टी आप यूज़ कर सकते हो, प्लस यू कैन यूज़ योर बेड। आप ये बेड भी कैसे यूज़ कर सकते हो उसके ऊपर भी मैं चीज़ बताऊँगा। सो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सो मैं ये बोल रहा था कि अगर आप सोच रहे होंगे मतलब ऐसे कैसे कर सकते हैं, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि देर आर सर्टन टाइप्स ऑफ पुशअप। पुशअप में बोलते हैं ना वाइड पुशअप, क्लोज पुशअप, डायनम पुशअप, स्पाइडर पुशअप एंड यू नो ऐसे अलग अलग विचित्र एकदम अलग अलग प्रकार के पुशअप्स होते हैं, जैसे टांग ऊपर नीचे, घोड़ा बनना, कछुआ, ऐसे मतलब आई एम ऐसे बोल रहा हूँ मस्ती में। बट ये सब पुशअप बोलते हैं ना अपने बॉडी पे बहुत इफेक्टिव होते हैं और एक बॉडी लीन बॉडी बन जाती है, अपने खुद के बॉडी वेट उठाएंगे तो। सो एक एक पुशअप में स्टार्ट करते हैं, मैं बताता हूँ क्या उसके बेनिफिट है और क्या होता है उससे। तो यूजुअली जैसे अपने पुशअप मारते हैं वैसे ही इस पट्टी पे पुशअप मारना है। पुशअप वही नॉर्मल, यू हैव टू कीप तो मैं ये बोल रहा था कि पुशअप से भी आप अपने बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर, बैक, चेस्ट सब चीज़ ट्रेन हो जाती है। सो एक ये पुशअप था नॉर्मली, तो पट्टी पे आप यू नो ऐसे हाथ रख के पुशअप, वाइड पुशअप कर सकते हो, ट्रायंगल भी कर सकते हो, क्लोज भी कर सकते हो। सो आप करते ही बेड पे, आपने कितना सिंपल था, वी हैव टू जस्ट पुट आवर टो ऑन बेड एंड वी हैव टू लाइन एंड देन पुशअप। सो इसका स्ट्रेस यू नो चेस्ट पे भी आता है थोड़ा, यू नो शोल्डर बाइसेप पे भी आता है। सो ये तो था दूसरा, अब मैं बताता हूँ आपको ट्राइसेप, बाइसेप के लिए भी और शोल्डर के लिए भी। ये पिक पुशअप था एंड ये शोल्डर के लिए था, मतलब तो शोल्डर का जो पार्ट होता है ये पूरा पूरा ट्रेन हो जाएगा एंड ऊपर से थोड़ा फुटेज थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा, बस इसमें अपने आपको होल्ड हाथ जो है सर के यहाँ रखना है और अपने जो बम है उसको ऊपर ही रहने देनी लाइक दिस एंड जो अंगुली है उसको नीचे जाने देनी है। तो इसका पूरा स्ट्रेस यू नो यहाँ पे आएगा। सो इट्स वॉट थर्ड पुशअप एंड ये एक बात बोलना भूल गया मैं, अभी पुशअप आपने मैंने बताया नहीं कि कितने मारने हैं, मतलब ये आप पे कि आप कितने मार सकते हैं, मतलब ऐसे एक अपने टारगेट के हिसाब से मैं बोलूँ तो जब स्टार्टिंग के डेज है तो थोड़ा यू नो ये थोड़ा हैवी पड़ेगा अपने लिए,
बट वैसे मैं बोलूँ तो स्टार्ट विथ 20 पुशअप और 30 पुशअप सेट अपने पे, एक दो सेट तीन सेट जितना इंटेंस मार सकते हो मारो, थोड़ा ब्रेक ले लेके मारो, मतलब 15 की तीन मारो, 8 की तीन मारो, 12 की तीन मारो, इट्स ऑन यू। क्या मतलब धीरे धीरे जैसे डे आपके ग्रो होंगे, डे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी स्टेमिना प्लस आपके पुशअप की जो टारगेट होगी वो बढ़ेगी। सो धीरे धीरे ट्राई करो तो ये अपना यू नो बॉडी के शेड्यूल में बैठ जाएगा कि ऐसा होता है, ऐसा मारना है, तो अपना आप यू नो हो जाएगा। सो दैट्स व्हाट इट ट्राइसेप के लिए पुशअप। मेरा भी लगता है आज वर्कआउट हो गया, नेक्स्ट डे आज लगता है मेरा गया बिकॉज। एंड एक बात मैं बोलना चाहूँगा, अगर यू नो थोड़ा सा मेरा पोजीशन इम्बैलेंस हो रहा हो या थोड़ा सा यू नो गलत दिख रहा हो, सो इसके पीछे रीज़न एक ही है। पहला कल मेरे लेग्स डे थे तो थोड़ा लेग्स थोड़ा वाइब्रेशन हो रहे। सेकेंड ये कि मैं पूरे वीक में वर्कआउट करता हूँ तो यू नो थोड़ा सा पेन रहता तो उस चक्कर में पूरा ग्रिप नहीं बैठी होगी तो इसलिए लग रहा होगा। बट सो मेरा ये बोलने का पॉइंट था कि ये जो ट्राइसेप का जो डायमंड पुशअप था ना, इसमें आपको थोड़ा लोड पड़ सकता है, इसमें आपको थोड़ा सा यू नो शायद 5-10 के अंदर ही आएगा, उससे ऊपर आएंगे नहीं। सो आप क्या करना, जितना आए आने देना, बस ध्यान ये रखना पोजिशन पर ध्यान रखना। अगर थोड़ा सा यू नो ऐसा लग रहा हो कि शोल्डर पर आ रहा है, बैक पर आ रहा है, कहीं और आ रहा है तो तुरंत छोड़ देना एंड पोजीशन बाद में थोड़ा सा दिमाग में देख के बाद में ट्राई करना, क्योंकि गलत आ गया तो गलत पेन होगा, गलत स्ट्रेस आएगा, गलत चीज़ ट्रेन हो जाएगी, सो दैट विल बी नॉट फाइन। सो इट अ थर्ड। सो आज सिर्फ मैंने तीन ही पुशअप बताए, और तीन ही क्यों बताया, इसके पीछे रीज़न है। रीज़न ये नहीं कि मैं थक गया, थक तो मैं थोड़ा सा गया हूँ, बट इतना नहीं थका कि मैं और नहीं बता सकता। तीन बताने का रीज़न ये है कि मतलब ये जो तीन पुशअप थे और ये जो तीन चार पुशअप थे, ये बहुत बोलते हैं ना इफेक्टिव, और ज़्यादा ही बोलते हैं ना अच्छा खासा ट्रेन कर देते हैं शोल्डर बाइसेप ट्राइसेप। तो स्टार्टिंग के डेज के लिए इतना तो बहुत है। अगर मेरा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा होगा तो आगे जो पुशअप जो और थोड़ा सा बोलते हैं थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा यू नो एफर्ट और है, मतलब थोड़ा सा बॉडी पेन है, तो वो थोड़ा मैं बाद में डालने की सोच रहा हूँ। अगर आपको पसंद आया होगा, अगर इसमें मेरे को ज़्यादा से ऐसा लगा होगा कि यार लोगों इंटरेस्ट है, तो मैं आगे एक और इसका एपिसोड बना दूंगा। सो मारो ये तीन है, ये तीन चार है, उसके लिए आपको देखा कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छा खासा यू नो पंप आ जाता है पूरी बॉडी में, ठीक है। और एक आप मार के देखना, जैसे कल मंडे है ना, तो कल सुबह शाम रात, मतलब शाम रात मतलब 7-8 बजे तक मार लेना, मार के देखना। और पंप नहीं आए तो मैं आके कमेंट में गाली ग्रोथ भर भर के करना, ठीक है। आपके ऊपर है कितना आप पे आ रहा है, कितना आपको मारना है, इट्स ऑल अबाउट ऑन यू। बस मेरा बोलना मेन ये है कि सेट पकड़ लो तीन, रेपिटेशन मेरे मानने से पकड़ लो 15 या 20 के अंदर। सो अगर 15-20 पकड़ते हो तो 20-20 के तीन मारो, मतलब 60 तो ऐसे हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग के डेज में 60 मारना भी यू नो इट्स बहुत है। सो इसमें अपनी फैट भी, जो चर्बी होती है अननेसेसरी, वो भी कम हो जाएगी। लीन बॉडी चाहिए तो लीन बॉडी हो जाएगी, बॉडी स्ट्रक्चर चाहिए वो भी हो जाएगा। सो इसमें बेनिफिट है। सो बस मेरा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, आई होप ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एंड ऐसे एक दो चीज़ और मैंने सोची है, अगर आपको ये पुशअप ना मार के और आपको वेट उठाना है तो वो भी मैंने सोचा है, खाने पीने पे भी मैंने सोचा है, वो आगे जाके मैं बताऊँगा। सो अभी के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़, सो अगर लाइक नहीं करे तो डी कैन ऑल्सो डिसलाइक। बट जाते जाते मेरी ये थोड़ी सी मेहनत या थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ कमेंट इट बिलो डाउन, ये तो आपकी इच्छा है। बस मेरा बोलने का मतलब ये था कि करो वर्कआउट, बनाओ अपनी बॉडी स्ट्रक्चर एंड दैट्स इट। बाय बाय।